सुरेश जी नमस्कार, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं, इस समय मैं इंडिया में आया हूं अफ्रीका से और इंडिया का कल्चर आपको दिखा रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करूं और उसी सिलसिले में आज आया हूं गांव में मेरे दोस्त के घर जो विलेज में रहते हैं और विलेज लाइफ भी आपको दिखाऊँगा आज कैसी लाइफ होती है उसी के बारे में। हमारे धीरेन्द्र भाई हैं, माननीय धीरेन्द्र भाई। तो धीरेन्द्र भाई थोड़ा सा बताइए गांव की लाइफ कैसी होती है। हम तो घर पे आए हुए हैं आपके, बहुत अच्छा लगा। आप चारों तरफ नेचर ही दिख रहा है, मैं जहाँ देख रहा हूँ दूर दूर तक। तो थोड़ा जानते हैं इन्हीं से जानते हैं कि कैसा यहाँ पे रहते हैं भाई। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं धीरेन्द्र प्रताप ग्राम शिकारपुर से बोल रहा हूँ। गाँव का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर और शांति महसूस होता है। जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर से जब इधर आते हैं तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोगों से मिलना, बातचीतें, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही प्योर है, सब कुछ शुद्ध है जितना ये कह सकते हैं हम। और चारों तरफ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। नीम का पौधा लगा हुआ है, इधर धान की खेती हो रही है। उधर दिखाइए थोड़ा, हाँ कैमरा उधर ले जाइए। देखिए दूर दूर तक आप देख पा रहे होंगे ये चारों तरफ आप धान की खेती हो रही है। इस समय धान कटने वाला है, पक के तैयार हो गया, फसल तैयार हो चुकी है, हार्वेस्टिंग होने वाली है। और ये देखिए आप, नीम का पौधा है जो ऑक्सीजन कोरोना काल में बहुत कमी पड़ गई थी जिसकी, ये देखिए चारों तरफ शुद्ध ऑक्सीजन निकलने वाली चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, एक पीपल का पेड़ और एक नीम का पेड़। और इधर चारों तरफ देखिए ये घर, दूर दूर तक दिखाइए थोड़ा, कैमरा घुमाइए। हाँ हाँ, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ हरियाली हरियाली और बीच में इनका घर है और घर पक्का हुआ है, कच्चा घर भी है, सब दिखाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं, उनको भी दिखाएंगे इसके साथ साथ। तो बने रहिए और चलिए नीचे चलते हैं थोड़ा सा, है नरेंद्र भाई। हाँ सर, ये बताइए जो ये देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको ये जो है जो गाय और जो भैंस होती है जी जी, उसका ये हम लोग अपनी भाषा में गोबर कहते हैं। गोबर से हम इसको बनाते हैं। गोबर से इसको हम लोग बनाते हैं जो ये उसके काम आता है। जैसे हम लोग को खाना बनाना हो या आग जलाना हो उसमें ये यूज किया जाता है। एक उठा के देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा उठाइए मेरे हाथ पे। अरे देखिए तो गीला है थोड़ा सा, ये वाला लीजिए, सूखा वाला ले, ये अभी गीला है थोड़ा, ये गीला इसको है, छोड़ देते हैं। उसके बाद ये सूखा है, ये सूखा है। ये हमारे रामधारी भैया हैं और ये इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और अभी घर आ चुके हैं और ये भी खेती किसानी करते हैं। सर बताइए अपने बारे में कुछ। देखिए जब तक, नमस्कार दोस्तों, हम यही बताना चाहेंगे कि 15 साल सर्विस किया, इतना व्यस्त माहौल रहा, उस व्यस्त माहौल और भागम भाग जिंदगी को छोड़कर गांव में आके रह रहा हूं। इतना अच्छा लग रहा है, इतना शुद्ध हवा और इतना अच्छे लोग हैं कि सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि जितने लोगों को शहरों में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, चले गांव के जगह नहीं है। यहाँ पर देखिए दूर दूर तक मकान है, सभी लोग, लेकिन दूर है मकान, दूर है लेकिन सभी लोग एक दूसरे के हमेशा टच में हैं। शुद्ध सब्जियाँ उगाते हैं, अपना खाते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं रहने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशनसीबी की बात है, ये आम बात नहीं। सभी चीजों को शायद शहर वाले लोगों के लिए तो थोड़ा नसीब, आप लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्चा कर दीजिए आप ये सब नहीं पा पाएंगे, हेल्थ नहीं पा सकते हैं। इसी हेल्थ के लिए हम सब छोड़ छाड़ प्योर ऑर्गेनिक बोलते हैं जो चीजें हैं वो है, वो दिखा रहे हैं आपको। तो रामधारी भाई ये बढ़ते हैं, ये ओपला सूखा हम दिखा रहे थे इसी को, ये सूखा ओपला है, ये जलाने के काम आता है, इससे आप खाना भी बना सकते हैं। इसको कंडे भी बोलते हैं, इसको ओपले भी बोलते हैं, इसको गोईठा भी बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए। और काउडंग से बोलते हैं इंग्लिश में, इसको काउडंग बोलते हैं जो भी। और ये देख रहे हैं कि सब्जियां भी लगी हुई हैं इसी में, अमरूद भी लगा, हाँ इसी में बैंगन का ये पौधा भी देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है अभी, हाँ ये ब्रिंजल तैयार हो रहा है। ये देखिए इसका फूल, इसका पौधा, और ये करेले का पौधा है, ये छोटा छोटा पौधा आ रहा है इसमें भी, इसके बीज, ये अमरूद है, गुआवा ट्री है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये देखिए गांव की लाइफ। अभी पहुंच रहे हैं जानवरों के पास, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। चलिए धीरेन्द्र भैया बात करिए, कोई गाय या कोई भी भैंस आपसे बात करती है, इसमें कोई मारती तो नहीं है? नहीं मारती तो बता दीजिएगा भैया, नहीं तो मैं करीब नहीं जाऊँगा। हाँ बताइए, थोड़ा इनसे बात करिए, कहा हो माता जी आशीर्वाद दा। अरे भैया फूकत है, ये वो
दूसरी भैंस है जब उसको प्यास लगता है ना तो ऐसे ऐसे सिर हिलाकर वो पानी मांगती है। अच्छा अच्छा, ये जब प्यास लगती है तो सिर हिला के पानी मांगती है। घर से बाहर निकलते हैं तो भी इशारा करती है ऐसे ऐसे, क्योंकि मतलब प्यासी है। हाँ। और खाना अगर इन्होंने खा लिया, जैसे इनका खाना देख सकते हैं आप। हाँ। ये खाना है, ये बरसिंग है नहीं, ये चावल का जो है, चावल का जो धान का डंठल है उसी को छोटे भागों में काट दिया गया है। तो ये अभी खा रहे हैं लोग, फिर शाम को घूमने जाएंगे और थोड़ा सा लौटेंगे भी पानी में, उनकी तराई के लिए होता है ना, लौटते हैं ना। अभी तो नहा धो के तैयार हैं लोग, जाएंगे। और ये देख सकते हैं गाय भी दिखाते हैं आपको, ये भैंस इनको बोलते हैं बुफैलो, ये सब पालतू हैं। अभी जाते हैं थोड़ा सा गाय जो जिनकी हम पूजा भी करते हैं अपने इंडिया में, गऊ माता बोलते हैं। ये देखिए उनका छोटा सा बछड़ा, और ये देखिए। तो बताइए इनसे इनसे कैसे बात करते हैं आप? ये जो है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो है जिसको गऊ माता कहा जाता है, जी जी, जो है कहा जाता है कि 36 करोड़ देवी देवताओं का जो वास होता है इनके अंदर ही होता है, इनके अंदर ही होता है। गऊ माता है जिसको हम काऊ कहते हैं। क्या बात है, माता जी आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, और सर कुछ और बताना चाहें तो? ये देखिए छोटा सा बछड़ा है। हाँ, ये उनका जो गाय है उनके छोटे से बछड़ा है। छोटे से बच्चे हैं, उनको बछड़ा बोलते हैं। और इनका ये है खाने का व्यवस्था, और बाकी लोगों का यहाँ पे व्यवस्था है। और धूप में भी मतलब यहाँ पे निकाल देते हैं ना, कि कभी वहाँ पे नहीं खिलाना हुआ तो यहाँ पे खिला दिए। धूप थोड़ा सा ये हो जाता है इसमें, इन्होंने ये देखिए जो भी चारा है इसमें, धान है, भूसा है, चोकर है, कली है, सब मिक्स करके डालते हैं। तो ये सब देखिए, ये भी इनके घर में भी देखिए गांव में, कि बाहर की तरफ हम अपना संडास बाथरूम बनाते हैं ताकि घर के अंदर नहीं, घर की सफाई अलग, बाथरूम साइड में हो, जो भी गंदगी हो, ह्यूमन का वेस्ट हो, सब अलग साइड में, ताकि शुद्धता बनी रहे। हैं सर, हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा लगा मतलब ये सब बात करके आपसे, और मैं पहली बार आया हूँ गांव में। गांव में तो आता रहता हूँ अपने घर पे, बट इतना करीब से नहीं देखा था ये सब, आज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए हमारा जो गांव में जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, ये देखिए ई रिक्शा बोलते हैं जिसको, जो हमारे यहाँ चलता है, ये बैटरी से चलने वाला रिक्शा है। ये देखिए इससे आप दूर दूर तक जा सकते हैं, बैटरी चार्ज कर लीजिए, दिन भर घूमते रहिए, इसमें कोई भी एक रुपये का पेट्रोल नहीं लगता है। और ये साइकिल है, यही काम आती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो होप, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। तो ये देखिए माशाल्लाह गांव का सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन, ये देखिए ये थाली व्यवस्था है जिसमें मटर पनीर की सब्जी है, ये खीर है, ये पराठे हैं। और दिनेश भैया कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ऐसा जी खा, बाद में खा लिया भैया, तुम सब बोलू जा नहीं कोनो दिक्कत ना है, बस हम दिखा रहे हैं सर कि ऐसा पौष्टिक खाना हम लोग गांव में खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छा जीवन जीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हैं सर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं सर, हैं।